जैसे जैसे गर्मी का पारा चढ़ रहा है वैसे वैसे शहर में पानी की किल्लत बढ़ने लगी है। मंगलवार को तल्ली हल्द्वानी के वार्ड 58 के लोगों ने पार्षद मनोज जोशी के नेतृत्व में पिछले 2 माह से पानी के सुचारू रूप से न आने के चलते जल संस्थान में प्रदर्शन किया। लोगों की इस दौरान अधिकारियों से झड़प भी हुई। हालांकि अधिशासी अभियंता संजय श्रीवास्तव ने लोगों से क्षेत्र का दौरा कर शीघ्र पानी की समस्या सुलझाने का वादा किया है। साथ ही पानी के टैंकरों से क्षेत्रवासियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने का भरोसा भी दिया। हमारे वहाँ पानी की बहुत समस्या है, हम 3 साल से झेल रहे हैं। हम यहाँ आते हैं जल संस्थान, लेकिन हमको आश्वासन दे के हमको वापस कर दिया जाता है। लेकिन अब हमारी यह है, अगर ये नहीं मानते हैं तो अगली बार हम आंदोलन के साथ आएंगे यहाँ, जब तक हमारे समस्या को समाधान नहीं किया जाएगा। अधिकारी बोल रहे हैं कि हम टैंकरों से पूर्ति करेंगे, लेकिन टैंकरों से पानी की पूर्ति नहीं हो पाएगी। 80 साल की महिलाएं टैंकरों से पानी नहीं भर सकती हैं। उसके लिए ये बोल रहे हैं कि हम लोग टैंकरों में पानी देंगे, लेकिन हमने ये कह रखा है कि आप उसमें पाइप देंगे, उसमें अगर आप टैंकरों से पानी देंगे तो पाइप के माध्यम से देंगे। इन लोगों ने आश्वासन दिया है कल एक्शन साहब वहाँ पहुँचेंगे 10 बजे, उसमें पानी की पूर्ति करने के बाद ही हम इन्हें जाने देंगे, अन्यथा फिर आंदोलन किया जाएगा, उसके बाद ही हम लोग मानेंगे। अगर जब तक पानी नहीं देंगे हम वहाँ से नहीं हटेंगे। काफ़ी दिनों से दिक्कत आ रही है इन्हें, और अभी तो वर्तमान में हम उन्हें टैंकर के थ्रू दे रहे हैं, बट शायद बुजुर्ग लोग हैं काफ़ी, तो वो टैंकर से भर नहीं पा रहे हैं। तो एक दूसरा सोल्यूशन उन्होंने बताया है कि पाइप से वगैरह करके कुछ मैनेज किया जाए, तो वो हम कल से करेंगे। और वैसे भी कल मैं शायद 10 बजे मैंने टाइम दिया है इनको, तो कल मैं जाके स्थिति को देखूंगा कि कहाँ दिक्कत है, क्यों दिक्कत है। पूरी कोशिश की जाएगी इनको पाइपलाइन के थ्रू ही वाटर सप्लाई कराने के लिए।